हम सफ़ीर पाकिस्तान हैं, लोग हमें इस हवाले से देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारी पहचान है। और एक दफ़ा का वाकिया है कि मैं इंग्लैंड में थी और उस वक्त इलेक्शंस चल रहे थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, और वो उन्होंने मुझे हायर करना चाहते थे कि मैं जाके कोई वोट के सिलसिले में काम करूं। एशियंस कम्युनिटी जो सिख बरादरी है, हिंदू सिख ईसाई, क्योंकि हमारी फिल्में देख के हमारे बहुत फैंस हैं, तो वो चाह रहे हैं कि मैं उधर जाऊं। तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैं इस हवाले में इनका कोई ये वर्क करूं, काम करूं। तो मैंने ये कहा क्योंकि मेरे फौरन जहन में आया, आर्टिस्ट तो मैं हूँ पर मैं पाकिस्तानी हूँ, और इस तरह से मैं अपने पाकिस्तान की डिग्निटी और उस इज़्ज़त को उसी तरह बरकरार रख के जाऊँगी। फिर मैंने उनसे कहा कि जो टोनी ब्लेयर साहब हैं, माशा सिंह थे, तो मैंने कहा मेरी तरफ आएँ, मुझे आके इसकी इनविटेशंस दें, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान ही मेरी इज्जत है। और फिर वो लोग आए, तो फिर मुझे उनको जाके उनकी मैंने वोटिंग की। तो मैं हमेशा इस इज़्ज़त को लेके चलती हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआएं हैं सबके साथ, और अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की दे, और जो भी हमारे गवर्नमेंट के लोग जो भी आते हैं हमारे मुल्क के लिए अच्छा करें, हमारी आवाम सुकून महसूस करें। और जिस तरह का उन्होंने जनाब कैद आज़म साहब ने एक मैप छोड़ा, उसी हवाले से हमें सबको मिलके ऐसे काम करने चाहिए जो हमारे मुल्क के लोगों के लिए पुरसकून और आसाइश हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।